उसके बाद वी हैव प्लानिंग ऑफ ग्रोइंग द बेस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम इन इंडिया प्लस द कॉम्पिटिटिव सिनेरियो विल बी कंपीटिंग टू मेनी मोर गेम्स पीसी गेम्स ऑफ कोर्स इट्स तो हमारा विजन बेसिकली यही है कि वी वांटेड टू बी द बेस्ट एंड वी आर एमिंग दिस ईयर 2020 होपफुली वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड द विजन इज करेक्ट फॉर्मेशन हैज बीन डन नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स Welcome to SAQL Gaming House 2.0. पिछले साल हमने आपको दिखाया था कि एक साल में हम कहाँ पहुँच चुके थे. अब आप ये सोचिए अगले एक साल में हम कहाँ पहुँच चुके हैं. इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग फैसिलिटी एंड द बिगेस्ट गेमिंग हाउस टू हैव एवर बीन मेड इन इंडिया. दिस स्पेस ऑफ 15,000 स्क्वायर फीट विल बी द होम फॉर एवरी SAQL क्रिएटर एंड इट्स ई-स्पोर्ट्स प्लेयर टू क्रिएट कॉन्टेंट एंड बी द बेस्ट जो हम ऑलरेडी है. तो गाइज चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बाकी लोगों के साथ मिलकर कि कैसा है हमारा SAQL गेमिंग हाउस 2.0. तो गाइज ये है हमारा SAQL गेमिंग हाउस का एंट्रेंस पॉइंट. यहाँ पे वेटिंग जोन है, पर यहाँ पे आकर कोई भी आता है यू गेट अ चांस टू वेट हियर व्हाइल जो आपका कंसर्न पर्सन है वो आपसे नीचे आके मिले. काफी कुछ हमने यहाँ पे सिस्टमेटिक किया है सो दैट द प्राइवेसी सिक्योरिटी एवरीथिंग इज वेल टेकन केयर ऑफ. दिस इज अ 24 आवर्स सर्वेलेंस एरिया जहाँ पे पूरा हमने एरिया को CCTV से सिक्योर्ड करके रखा है सो डेट आर सिक्योरिटी रिमेंस है. और मनोज भाई के होते हुए एनीवेज कुछ पंगे नहीं होने हैं. तो गाइज मैंने आपको एक छोटा झलक तो दे दिया है कि हमारा गेमिंग हाउस दिखता कैसा है एंड आप अंदाजा लगा लियोगे कितना बड़ा है. पर अब मौका आ गया कि मैं आपको दिखाऊं कि ये असली में कितना बड़ा दिखता है. तो गाइज इसके लिए मैं ये काम छोड़ूंगा मॉर्टल और गोल्डी भाई पे जो आपको दिखाएंगे. ये हमारे पूरे फैसिलिटी का फर्स्ट फ्लोर है एंड एक कॉमन स्पेस है जहाँ पे सब लोग आके चिल करते हैं. जितने भी क्रिएटर्स एंड स्ट्रीमर्स है ऑब्वियसली आफ्टर अ हेक्टिक स्ट्रीम और मे बी सुबह उठ के भी एक जगह आके बैठना है बातें करनी है तो दिस इज द राइट प्लेस. ऑब्वियसली एक और चीज़ हमने ध्यान रखी है कि सब लोग एक जगह आके खाना खाएं बिकॉज आपने लास्ट टाइम आपको पता होगा कि क्या होता था. कोई अपने स्ट्रीम पे खा रहा है, कोई इधर खा रहा है, कोई उधर खा रहा है, टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं है. तो हमने सेटअप कर दिया एक डाइनिंग टेबल. ऑब्वियसली ये लास्ट वाले बूट कैंप में नहीं था बट दिस टाइम इट इज़ देयर एंड 9 to 10 के पीरियड के बीच में सब लोग आते हैं इधर अपना खाना खाते हैं और जाते हैं. बट ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ वन गाय. आइए आपको मिलाते हैं उनसे. तो गाइज वेलकम टू SAQL किचन. यहाँ पे है हमारे साथ हरीश जी. कैसे हा? हाँ ठीक है सर. ठीक है हरीश जी नर्वस है मेरे ख्याल से, उनका फर्स्ट टाइम है ये. बट मुझे पता है इनको आदत लग जाएगी, आपको बहुत मजा आने वाला है कसम से बोल रहा हूँ मैं. जैसे जैसे यू नो हम लोग इनके साथ और इंटरेक्शन करना शुरू करेंगे ऑन स्क्रीन मजा आएगा. आज क्या बन रहा है वैसे खाने में? आज वेज फ्राइड राइस और गोभी मंचूरियन. हाँ ये आज तो सब लोग खुश है एकदम. तो बाय द वे यस ही इज द शेफ ओवर हियर, शेफ इन हाउस शेफ एंड कसम से बोल रहा हूँ वी हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर द पास्ट 15 डेज. आई गेस मैं हर बार प्लेट रखने आता हूँ और हर बार बोलता हूँ कि मज़ा आ गया ऐसे. मतलब ओवर ईटिंग नहीं करता, बराबर ही खाता हूँ लेकिन मज़ा आता है कि नहीं. इन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ सजेशन भी दिया है कि थोड़ा क्या कब खाना चाहिए वो भी हम फॉलो करते हैं. तो आइए गाइज अब हम आपको बताते हैं कि बाकी के फर्स्ट फ्लोर पे और क्या क्या है. फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 और रूम्स हैं. दीज टू आर द लिविंग रूम्स जहाँ पे हमारे ई स्पोर्ट रोस्टर के प्लेयर्स सोएंगे और मतलब चिल करेंगे. बट आइए आपको अंदर से एक बार दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है. नेम दे दिया है फर्स्ट रूम को डीडस्ट. सो यस एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस. आई गेस मेरे को एक आइडिया आया था यहाँ पे कि मे बी हम लोग यहाँ पे बीच में एक यू नो चेस का एक सेटअप कर देंगे. साइलेंट गेम है ऑब्वियसली, ज़्यादा शोर नहीं मचता उसमें, तो सोएंगे भी बढ़िया से और खेलेंगे भी बढ़िया से. ये मेरा एक आइडिया था. लेट्स सी हाउ वेल इट्स गोना बी इम्प्लीमेंटेड एंड कब इम्प्लीमेंट होगा. बाय द वे गाइज मैंने आप लोग को इनकी सोने की जगह तो दिखा दी बट इनके कपड़े और इनका सब सामान कहाँ रहेगा, बैग्स कहाँ रहेंगे, आइए दिखाता हूँ. तो देयर इट इज़ गाइज यहाँ पे हमने जितने भी लोग यहाँ रहते हैं आई मीन 6 लोग की कैपेसिटी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर एक के लिए एक एक कवर रखा है सो दैट दे कैन कीप देयर स्टफ्स इन हियर. लॉकर के साथ ऑब्वियसली कुछ पर्सनल सामान भी रखना है तो भी. एंड हियर इज देयर वॉशरूम. यहाँ पे आप एक बार वॉशरूम का एक झलक देख सकते हैं.
सो यस गाइज, ये है हमारा वन ऑफ द रूम्स जहाँ पे हमारी ई स्पोर्ट रोस्टर के प्लेयर्स रहने वाले हैं। तो गाइज हमारा दूसरा लिविंग रूम देखिए जिसका नाम है क्रॉस फायर। आइए अंदर से दिखाता हूँ क्या है इसमें। बाय द वे सेम ही है, खैर यहाँ पे हमारी दूसरी ई स्पोर्ट रोस्टर की टीम रहने वाली है। सो देयर इट इज। ओ बाय द वे मीट रंजीत एंड दशरथ। सो दीज टू आर द गाइज जो पूरे के पूरे फैसिलिटी का केयर टेक करते हैं, हर एक चीज़ का साफ सफाई एवरीथिंग। आई फील बाकी सारे फीचर्स तो आपको पता है, वहाँ पे उन लोग के कबर्ड्स हैं जैसे कि उस रूम में दिखाया था, स्लीपिंग एरिया है 6 लोग का। एक काम करते हैं कॉमन हॉल में देखते हैं क्या चल रहा है। तो आइए गाइज अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे कॉमन हॉल में और क्या क्या है। सबसे पहले तो दिस इज़ द SATUL कर्टन। तो बेसिकली इसका आइडिया ये था कि सबका फोटो लगेगा, बीच में हमारा लोगो रहेगा, बट देन थोड़े से चेंजेस किए हमने, यू कैन सी वो चेंजेस क्या हैं। बट अब हम एक काम करेंगे कि इस चीज़ को बाद के लिए रखेंगे, क्योंकि इसमें जो चेंजेस होने वाले हैं वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आइए एक बार सबसे मिलाता हूँ आपको। ये तो सो गया है। आइए बाय द वे गाइस कुछ यादें ताज़ा हुई। एज यूजुअल पोकेमोन गो। यहाँ पे फ्री बैठे गोल्डी भाई, देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और एज यूजुअल शूटिंग। और गोल्डी भाई क्या हाल, मजे में? तुम बताओ। अरे बढ़िया बढ़िया एकदम। सबको दिखा रहा था टूर, बहुत वेट कर रहे थे ना रिवील करना है, तो हमने बोनस में एक जर्सी भी अपनी किट भी रिवील कर दी। मुश्किल से टेरिबली मेरे साइज में भी बन गई जर्सी, फाइनली बन गई। बनी गई, बस वही तो मैटर करता है। बाय द वे गोल्डी भाई कैसा लग रहा है एक साल बाद? क्रेजी, लाइक वी टॉक्ड इन लास्ट ईयर, एक साल एग्जैक्ट इसी डेट के आसपास लास्ट इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे हमने बोला था कि वी विल ट्राई एंड मेक द बिगेस्ट फैसिलिटी एंड वी आर हियर। वी आर हियर एंड नाउ होपिंग फॉरवर्ड टू स्टेप अनदर माइलस्टोन नेक्स्ट ईयर, होपफुली इट हैपेंस। ऑसम। तो गाइस इनका भाषण सुनते हुए दो लोगों के पास चलते हैं, क्योंकि एक और बंदा जो यहाँ बैठा है वो क्लैश रॉयल खेल रहा है। हेलो, आई वोंट डिस्टर्ब यू। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ गाइस। हम बाकी दो जो यहाँ सुन रहे थे खड़े होके वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग आवाज़ नहीं कर सकते। आपको पता है ना एरो की टेबल में कितना आवाज़ आता है, बट इट्स सुपर फन, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आदि क्या हाल है, कैसा है? हाँ। इस बार मतलब एडिटिंग के लिए कैसी जगह आपको मिली है बताओगे? ये एक मस्त सा बेडरूम मिला है 5 स्टार, वहाँ के जाके पता चलेगा। हाँ ठीक है गाइज, वो हमें पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। आइए हम उस तरफ चलते हैं। ओ और गाइज याद आया क्या आप लोग को, बाय द वे इससे पहले हमारा फिस्टा है, हमारे जो अरवाना से यहाँ पे सबके साथ मिलजुल के रह रहे हैं। अभी अडेप्ट करने में टाइम लगा, लेकिन अब मिल के रह रहे हैं मस्त वाला एकदम। आइए बात करें हमारे माफिया चाचा से, और कैसा है ऑरेंजेस? सॉरी सॉरी लेफ्ट राइट, कैसा है? बहुत कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है इनको, भैया जी को। चलो गाइस तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं बाकी का दिखा के आता हूँ। गोल्डी भाई चलो मैं जाता हूँ, एक बार ऊपर दिखा के आता हूँ सब कुछ, ठीक है? ऑल राइट गाइस आइए। उससे पहले एक बार सुनिए, तो ये है हम लोग का कॉमन स्पेस प्लस दो ई स्पोर्ट टीम्स की लिविंग स्पेस। एंड यहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारे आइडियाज़ हम एग्जीक्यूट करने वाले इन द कमिंग टाइम, दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। बट द अल्टीमेट आइडिया ऑफ दिस एंटायर फैसिलिटी इज स्ट्रीमिंग, क्रिएटिंग एंड लिविंग। तो क्रिएशन का ये एक बहुत अच्छा पार्ट है जहाँ पे हम लोग कंटेंट से कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं। हॉल हमारा जो कॉमन प्लेस है, बहुत स्पेस है यहाँ पे, तो आप बहुत जल्द यहाँ पे वीडियोज़ देखोगे। बाय द वे ये हमारा कॉमन बाथरूम है यहाँ पे। आइए गाइस तो अब हम आपको सेकेंड फ्लोर ऑफ द फैसिलिटी दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो ये रूम है हेवन, इसको हम आपको बाद में दिखाएंगे, ठीक है? इधर क्या बदमाशियाँ होती है वो बाद में दिखाएंगे। ओ हो अरे कोई बात नहीं, वेल कैसा है? और केतन सो हियर वी आर गाइस, पूल टेबल जो हमारे सेकेंड फ्लोर पे है, ऑब्वियसली चिल करने के लिए और एक प्लेस है ये। बट मैं आपको बताऊंगा कि ये असल में क्या है, पूल टेबल तो है बट यहाँ पे 4 और रूम्स हैं, उनमें क्या हो रहा है वो अभी आपको बताता हूँ मैं। उससे पहले आइए इनसे बात करते हैं कि क्या चल रहा है। और बताओ गाइस कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ का, पूरे बूट कैंप का? पहले कैसा था अब कैसा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? भाई देखो डिफरेंस मैं बताता हूँ क्या है, मेरे को जब यहाँ पे आया ना मैं 2 दिन लगाए मैं, ठीक है, पहचानने में कि कहाँ से क्या है। हाँ। हो गया था हम 2 दिन में 2-3 बार देख रहे कि कहाँ जाए क्या सोने का है, मगर भाई ये जगह भाई
जन्नत भाई आइए जन्नत मजा आ गया। और केतन तुम बताओ? कुछ नहीं, जॉर्ज बोल से पूछेंगे कि तक का जो रास्ता है अभी तुमको जो दिखाया पूछेंगी पूछी यहाँ पे अभी दिखाते हो अभी गाइस दिखाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। यहाँ के दो रूम्स है जिनका नाम है जॉर्जोपोल एंड पोचिंकी, चलते हैं उधर हम लोग। चलो कंटिन्यू, मैं इन लोग को दिखाता हूँ यहाँ के रूम्स। और सबसे पहले हियर इट इज पोचिंकी। तो ये रूम का नाम है पोचिंकी, द मोस्ट एक्टिव रूम राइट नाउ। यहाँ पे लिटरली 6 के 6 बेड्स भरे हुए हैं। मेरा बेड वो रहा, देयर इट इज, ये वाला मेरा बेड है पोचिंकी में। एंड अभी फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि आई बिलीव सब लोग जॉर्जोपोल में मिलेंगे हमें। आइए। अरे अरे अरे, पब्लिक इज ओवर हियर, सॉरी, सबको उठाना पड़ रहा है मुझे, चिल जोन है। खैर ये इन लोग का, सोते हैं यहाँ पे, आराम करते। अरे अमन भाई कैसे हो, मजा आ रहा है? मजा माँ। और अक्षु तू बता, बातें शाते कैसी चल रही हैं? तो फिर तो इसका लाइफ सही है, मेरे को पता है बात सही है तो लाइफ सही है। ये रहा हमारा दीवार, यहाँ पे लिखा है इन लोग को मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ, क्योंकि ये लोग कभी कभी उठता है और बोलता है मैं क्या करूँ। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है टाइम पास के लिए। सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पे, ये आउटपोस्ट, आइए देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। फोटोशूट चल रहा है यहाँ पे अपने भाई स्काउट का। और स्काउट क्या हाल? बढ़िया। और गाइज यहाँ पे है हमारा मंदिर। सो गाइज ये हमारे फैसिलिटी का लास्ट रूम है, इसका नाम दिया हमने हेवन। यहाँ पे मैं, गोल्डी बाय और थक बैठ के बेसिकली सारा ऑपरेशंस इस पूरे फैसिलिटी का ऑपरेट करते हैं, संभालते हैं एंड रेस्ट भी करते हैं यहाँ पे। सो गाइज हमने यूज किया था हमारा इंटरनल स्टेयर्स, बट ये है हमारा सेकेंड फ्लोर स्लीपिंग डेंस। एंड अब आप लोग को जो हमारा थर्ड फ्लोर है वो दिखाएगा अपना थक। तो गाइस अभी हम खड़े हैं अपने स्लीपिंग डेंस के बाहर, जो कि आपने ऑलरेडी देख चुका है। इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा SATUL 2.0 का वर्क प्लेस में। लाइक आई सेड, SATUL 2.0 ईट स्लीप वर्क सेम रूफ के अंडर है। वर्क स्पेस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, किस फैसिलिटीज के अंदर हमारे क्रिएटर्स YouTube पे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, कैसे वो आपको बैठ के एंटरटेन करते हैं एंड कैसे वो 24/7 कभी भी लाइव जा सकते हैं एंड हाउ वी हैव अलाउड सो मेनी क्रिएटर्स टू गो लाइव एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम प्लेस। वेलकम टू द SATL क्रिएटर जोन। SATL 2.0 में हमने बहुत ज्यादा फोकस किया कॉन्टेंट के ऊपर। वी हैव एंश्योर्ड कि हम अपने कंटेंट क्रिएटर्स के सारे प्रॉब्लम्स का ध्यान रखें। आपको याद होगा पुराने गेमिंग हाउस में एक बंदा जब स्ट्रीम कर रहा होता था उसको दूसरा बंदा उसके कैमरे में दिख रहा है, एक दूसरे के साउंड का प्रॉब्लम और बहुत इश्यूज थे। वी हैव एंश्योर्ड कि SATL 2.0 गेमिंग हाउस में ये सारे इश्यूज सॉर्ट हो जाए। वी हैव मेड इंडियाज बेस्ट फैसिलिटी फॉर द बेस्ट गेमिंग क्रिएटर्स। Also, thanks to Gigabyte and Aorus, they have ensured that over the next couple of years, we'll be equipped with the best motherboards, best graphics card, so that हमारे creators आपके लिए best content बना सके। तो अब देरी नहीं करते हैं, आपको ले जाते हैं what we call as the heaven for live streamers and content creators in the gaming industry in India. Welcome to the SATUL content floor. तो गाइज हमने अपने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक छोटा सा पैंट्री भी बनाया। दिस इज बिकॉज देखिए यहाँ पे फूडिंग तो अलाउड नहीं है, विद अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट दे शुड टेक केयर एंड रेस्पेक्ट देयर वर्क प्लेस। बट कभी कभी भूख लग जाती है, लंबे लंबे सेशंस करते हैं मामबा, इनफैक्ट मैं खुद भी, मॉर्टल भी, इतने लंबे देर तक स्ट्रीम करते हैं तो उनको भूख लग जाती है। तो वी हैव हैड अ पेंट्री यहाँ पे जहाँ पे दे कैन हैव देयर क्विक स्नैक ऑलवेज। SATUL 2.0 के कंटेंट फ्लोर में वी रिविजिटेड आवर पास्ट एंड देखा कि हमने क्या क्या कमियाँ छोड़ी थी। इस बार हमने कोशिश करी है कि हम कोई कमी ना छोड़े। हर क्रिएटर को इस बार हमने एक एक्सक्लूसिव कैबिन स्पेस दिया है, वो ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर फीट का, कुछ कुछ बड़े स्क्वायर कैबिन्स भी है डिपेंडिंग अपॉन देयर पीसी सेटअप, जिनको वो जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं एंड SATUL के कंटेंट फ्लोर में अपना एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग जोन बना सकते हैं। दिस इज द SATUL एक्स गीगाबाइट कंटेंट फ्लोर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे दो रूम है, एक है हॉगवर्ट्स एक है पोलस। बट एक सेकेंड, मैं भूल ही गया था, जब हम लोग ये गेमिंग हाउस आ रहे थे ना, मैं मॉडल गोल्डी पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि हमारे क्रिएटर्स को हम लोग बेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे इस बार, सब कुछ नए, सब कुछ फ्रेश एंड द बेस्ट अवेलेबल इन वर्ल्ड। सो अगर हम बेस्ट की बात करें, व्हाट्स बेटर देन कॉर्स एंड एलगाटो प्रोडक्ट्स, सो वी हैव मेड श्योर दैट द बेस्ट प्रोडक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब इज अवेलेबल राइट नाउ फॉर आवर क्रिएटर्स एनी टाइम 24/7, सो दैट दे कैन यूज द बेस्ट इक्विपमेंट टू मेक द बेस्ट कॉन्टेंट। वी हैव अ स्टैक ऑफ स्टफ From Elgato and Corsair, जो हम अपने क्रिएटर्स को प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइस, क्योंकि कोई स्ट्रीम नहीं कर रहा, मैं आपको चलो केतन का कैबिन दिखाता हूँ, बहुत सुंदर बना के रखा है। अरे स्ट्रीम कर रहे तू? हाँ, अभी तो भाई लाइव तो ऑन करना होगा। अबे सॉरी सॉरी
पता कैसे चलेगा? और कैसा लग रहा है, सब सॉर्टेड है ना? बढ़िया है, मतलब अपना फुल वाइब आ रहा है ऐसे। यार सुंदर बना लिया तूने कैबिन को। चल बढ़िया, बनाते जा। चल तू स्ट्रीम कर, मैं तुझे और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो यही है, इनको कितना भी फैसिलिटी दे दो, यूज ठीक से करना नहीं आता और फिर बाद में रोते हैं। कोई नहीं, चलो अब तो ये बंदा लाइव है, पता चल गया। चलते हैं गाइस पोलस और हॉगवर्ट्स की तरफ और चेकआउट करते हैं कि वहां पे अभी कौन क्या कर रहा है, और आपको कुछ लोगों के मैं कैबिन टूर्स और देता हूं। तो गाइस मैं खड़ा हूं हॉगवर्ट्स में और यहाँ पे हमारे तीन क्रिएटर्स का हमने स्पेस दिया है। एक है माफिया, दूसरा है अमन, तीसरा है रेबल। पर यहाँ पे अभी अमन मुझे पता है वो अंदर है, लाइव दबा के रखा, देखता हूँ जेन्युइनली लाइव है नहीं, क्योंकि ये और एक बहला है, आपको पता है हो सकता है लाइव नहीं हो। पर देखते हैं कि इसका कैबिन कैसा दिख रहा है। लाइव है? नहीं, लाइव क्यों होने दे रहा? अरे मैं बस जाने वाला था। अच्छा बस जाने वाला था, ठीक है चलो। और कैसा लग रहा है तुझे यहाँ पे? मस्त एकदम, यहाँ पे नेटवर्क के पर्सनल स्पेस वो सबसे। और बस चिल कर, स्ट्रीम कर और बढ़िया से करना, ठीक है? कुछ बन से जस्ट लेट मी नो। तो गाइज अमन यहाँ पे स्ट्रीम कर रहा है, आप उसका स्ट्रीमिंग स्पेस चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी सुंदर बनाया है। एंड ऐसे करके सब लोग अपना स्ट्रीमिंग स्पेस ग्रेजुअली बना रहे हैं। हम आपको पोलस भी ले जाएंगे और वहाँ हम आपको मामा से मिलवाएंगे। तो गाइज हम खड़े हैं पोलस में और ये है जो हमारा स्ट्रीमिंग रूम, ये है स्काउट, वाइपर और मामा के लिए। तीनों लोग बहुत चिल्ला दिया तो उनको हमने एक ही रूम में डाल दिया कि भाई एक दूसरे से मारो और लड़ते रहो। पर गाइज चलते हैं मामा से मिलते हैं और उनका ओपिनियन पूछते हैं कि उनको इस गेमिंग हाउस में कैसा लग रहा है। सलमान मियां कहते हैं क्या खबर गाइस? मामा ने तो सेक्सी सेटअप कर लिया अपना, पूरा टाइमली सब कुछ सेट कर लिया। तो मामा एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तो, बंदा भी दिन से रह रहे हो। ये मतलब एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है क्योंकि पहली बार, मतलब एक साल हम लोग पुराने गेमिंग हाउस पर रहे, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अपना एक स्पेस मिला जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने तरीके से, प्ले अराउंड कर सकते हैं कि किस तरीके से अपना पीसी रखना है, अपना आप कैसे अपना पूरा सब कुछ किस तरीके से अपना आप इंटीरियर अपना डेकोर कैसे कर सकते हो। ये दिस इज लाइक अप टू द क्रिएटर्स इमेजिनेशन कि उसका इमेजिनेशन कहाँ तक जाता है और वो क्या कुछ नहीं कर सकता अपने रूम के साथ। तो यस गाइस, तो वही मैंने जैसे आपको बताया, हमने सब चीज़ का ध्यान रखा है, वेरी माइन्यूट थिंग्स, कि कौन से क्रिएटर्स का किस टाइप का स्ट्रीम जाता है, उन सबको एक साथ डाला है। मामा ने तो बहुत क्रेजी डेकोर किया है, मैं मॉर्टल स्काउट हम लोग भी सब बहुत जल्दी डेकोर करने वाले हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आगे आपको और बहुत सारे रिवील्स मिलेंगे। तो गाइस आपने देख लिया हमारे कंटेंट क्रिएटर्स का स्पेस। आप सभी को पता है SA12 ने पीसी गेमिंग में भी एक्सपांड किया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ वैलोरेंट का रूम। शूट भाई करने दे दे गाइस, अलग से आएगा इसका, आएगा ये उमंग का डिपार्टमेंट है, एक हफ्ते बाद ही लाएंगे हम लोग इसको। सो गाइस फाइनली द मच अवेटेड वीडियो इज आउट। थग एंड मॉर्टल ने आपको पूरा वीडियो टूर रिवील दिखा दिया है घर का। 2020 के विजन की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इट वॉज अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर विच वी हैव ऑलरेडी टेकन इन कंसिडरेशन। पीछे अभी बहुत लंबा रास्ता जाना है इन दिस गेमिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट स्टेप वी वॉन्ट टू पुट अ बेंच मार्क ऑफ इंडियन ऑर्ग ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। प्रॉबली दिस रिवील टूर एंड दिस गेमिंग हाउस फैसिलिटी विल बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो गाइस पुरानी गेमिंग फैसिलिटी से हमने इस फैसिलिटी में हर स्टेप पे लेवल अप करने की कोशिश करी है, बीट गेमिंग, बीट फूड, बीट कंटेंट क्रिएशन स्पेस, बीट स्लीपिंग, बीट एनीथिंग। सो फाइनली पिछला एक साल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए इंडिया में बहुत अच्छा रहा। ऑफकोर्स गेम बैन की वजह से मोबाइल इंडस्ट्री ज़रूर हिट हुई, बट वी केम टू सी लॉट ऑफ अदर मोबाइल गेम्स इन द राइज लाइक COD मोबाइल एंड फ्री फायर। PC गेम वैलोरेंट हैज़ बीन अटमोस्ट पॉपुलर एंड सिंस लाइक वी प्रॉमिस लास्ट टाइम वी आर फाइनली एंटरिंग इन टू PC गेमिंग एज वेल। हमारा वैलोरेंट लाइनअप रिलीज हो चुका है, आप लोगों को मालूम है। एंड इसी मंथ के अंदर वी हैव plans to release our another mobile gaming lineups, वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। सो कंटेंट स्पेस में वी हैव बीन ट्राइंग आर लेवल बेस्ट टू एंटरटेन यू गाइज एंड सेट अ बेंच मार्क इन द यूट्यूब स्पेस और गेमिंग स्पेस। नाउ टॉल लेट्स टॉक अबाउट ई स्पोर्ट्स। वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश विद आर वैलोरेंट रोस्टर लाइक वी प्रॉमिस्ड विल बी इन टू PC गेमिंग। सेकेंडरी हम लोग अब बहुत जल्द अपना मर्चेंडाइज डाउन द लाइन विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स लॉन्च करने वाले हैं फाइनली। And probably the three parts of this industry, which is content, esports, and merchandise, in all three will be step ahead and trying to reach where we want to. So finally, ab I can very confidently say ki bahut sare parents bhi ab gaming ko ek
करियर ऑप्शन की तरह या एक सीरियस पैशन की तरह देखने लगे हैं. एंड आई फील एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस दैट यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स वॉट देयर डिसीजन इज टुवर्ड्स योर लाइफ. आई होप आप लोगों को ये फैसिलिटी पसंद आई होगी एंड द मच अवेटेड टूर इज़ वर्थ इट. आशा करते हैं नेक्स्ट ईयर 3.0 का रिलीज करेंगे या कुछ और बड़ा करेंगे अगर आप लोग का साथ रहेगा. साइनिंग ऑफ नाउ एंड आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना एंड हम लोग अपनी तरफ से पूरा जान लगाएंगे टू गेट यू गाइज द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल. SATUL विल बी लाइंड अप विद होल लॉट ऑफ न्यू सरप्राइजेज इन द ईयर 2021. थैंक यू गाइज. थैंक यू. Guys, thank you so much for watching the video in the live stream of the SATUL Gaming House 2.0. Very excited. बहुत अच्छा लगा. इनका जो gaming house था बहुत अच्छा था. Guys, really I'm proud of it and because ये एक आगे एक career है बहुत जनों का. ये एक बहुत अच्छा फील्ड है एंड आई होप एवरीबडी विल डू बेटर इन दिस फील्ड. गाइज होप फॉर द बेस्ट. दे कैन डू मोर बेटर, मोर एनकरेजमेंट टू द यंग यूथ्स. दे कैन डू समथिंग गुड इन द कम्युनिटी और दे शुड अर्न, प्ले गेम्स, बी रिस्पेक्टफुल फॉर द कम्युनिटी एंड विद द गेमिंग कम्युनिटी टू. गाइज लव यू ऑल, सी यू लेटर.